बहुत ही ज्यादा बोर्ड्स है अलग अलग कंट्री से। बहुत ही मेहनत के बाद ये मिट्टी वगैरह निकाला और अभी हम आगे जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भूख लगी। जो आउट लग करी इट्स 6 PM। हम अभी मांगरोड में सोमनाथ से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर और इधर दीदी की फ्रेंड थी तो उसके घर पे आए थे और उसके घर पे बहुत सारा टाइम चला, लेकिन ये बीच पे आना एकदम वसूल है, एकदम मस्त दिख रहा है। आप आए तो पैसा वसूल, बस लेके लिया पैसा वसूल करे इस लोगों ना। गोल्डन आवर टाइम तो और भी मस्त लग रहा है। बीच पे सनसेट का मजा ही कुछ और, तो हमने आज लिया। आज पीछे जाना है, हमने सनसेट पॉइंट पे भी सनसेट नहीं देखा था लेकिन आज देखने को मिल गया मजा। और बहुत सारी बोट है भी। ये वाली चौपाटी उस बीच से बहुत ही अलग है। हाँ। वो वाला बीच बहुत ही ज्यादा गहरा था। ये उतना गहरा नहीं है। हाँ, ये उतना गहरा नहीं है। आप इधर बहुत अंदर तक जा सकते हो लेकिन हमें जाना नहीं है। अब नहीं नहीं अब मन भर गया। अब बीच से मन भर गया। हाँ। एक था वो मच्छी मार्केट था और इधर सारी बोट पार्क रहती है और ये सारी बोट एक बार जाती है तो 10-15 दिन तक उधर ही रहती है, 10-15 दिन का ट्रैवल करके ही आती है। बहुत ही ज़्यादा बोट्स है अलग अलग कंट्री से। बहुत ही ज्यादा बोट है, सबके अलग अलग साइन और ये मतलब ढूंढना कितना मुश्किल होता है।
8 PM और अभी हम सोमनाथ पहुंचे हैं, बहुत ही रश में है अभी, तो पहले दर्शन करेंगे फिर संदीप से ब्लॉग करते हैं। जैसे कल बोला था 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से सबसे पहला है जो ये बना था। अंदर तक मोबाइल वगैरह ले जा नहीं सकते तो उसको बाहर ही रखना पड़ता है। हमने अपनी गाड़ी में रखा था, बहुत पहले से सब कुछ बंद है। हाँ, सबसे पहले था ना वो जो आगे ऐसे दिख रहा है कुछ, वो सबसे मेन गेट था। उसके बाद वो मेन गेट थोड़ा आगे आया और अभी बहुत आगे आ चुका है। अभी कल परसों पता नहीं ऐसा सोमनाथ के बाहर तक गेट आ जाए तो बहुत डेवलप हुआ है पहले। हाँ, डेवलप बहुत हुआ और अंदर लाइटिंग मस्त है और सबसे मेन बात दर्शन बहुत शांति से हुआ। ये इतने शांति से दर्शन मैंने कभी नहीं किया। और अभी वो वॉकवे भी बनाया है। अभी कुछ वॉकवे भी बनाया है। पहले कुछ ऐसा था कि ये जो मंदिर है उसके पीछे एकदम दरिया है जो टच हो जाता है, जो एकदम डीप है, और इसके इस साइड भी पूरा समंदर ही समंदर है, वो बीच साइड है तो उधर हम जा सकते हैं, लेकिन पीछे के साइड अब जा नहीं सकते। तो अभी ऐसा बना है, एक वॉकवे जैसा बना है, तो उधर चल सकते हैं, लेकिन पता नहीं अभी हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अभी पता नहीं होगा कि नहीं। और अभी बहुत लेट हो रहा है क्योंकि हम जाने वाले हैं जूनागढ़, और अभी कुछ मार्केट में चक्कर लगे, मार्केट में बहुत सारा क्राउड है, तो ये देख के अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इतना क्राउड बहुत टाइम बाद देखने को मिला। यहाँ का मार्केट अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है। हम आए थे बहुत टाइम पहले आए थे ना, 8-9-10 साल शायद, 8-9 साल तो है। सोमनाथ बहुत बार आ चुके लेकिन द्वारका बहुत टाइम बाद। द्वारका नहीं, सोमनाथ तो बहुत बार मैं आ चुके। तो गई थी बीच में। तू गई थी ना, मैं थोड़ा गया था, लेकिन द्वारका तो मालूम है ऐसे 10 साल पहले गए थे एकदम छोटे से। ट्रेन में गए थे, ट्रेन में वो नहीं है, ट्रेन में गए। ये पूरा मार्केट है। पहले इस मार्केट में बहुत कुछ मिलता था और अब कुछ के साथ और भी मांस भी मिलता है। तेरे को ये चकली याद है? हाँ, मैं वही बोलने वाली थी। घुमा ये अपना इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, डिजिटल छतरी बना रहा है अभी। वो वाला याद है तेरे को? ऐसे वो ऐसे घूम के उड़ाते हैं, वो ऐसे अभी उड़ाया, अभी फिर से उड़ाएगा शायद, ऐसे पूरी आसमान में चले। हाँ वही 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 वही। ये तो बड़े वाले थे लेकिन ऐसे छोटे छोटे भी पहले बहुत मिलते थे, ऐसे मालूम है शीशल? हाँ शीशल। ऐसे मालूम है तेरे को, ऐसे जब छोटे थे ऐसे बहुत बीच पे जाते तो वही इकट्ठा करते थे हम लोग, और वो मजा भी आता था। लेकिन इस बार पता, इस बार मेरे को दिखे नहीं मिले, बीच पे दिखे नहीं मेरे। और वो मम्मी ने लिए ना क्या सीशेल्स? कब? वो ऐसे बड़ी प्लास्टिक बैग में। वो कब हुआ? माधवपुर बीच। वो कब हुआ मेरे को नहीं मालूम, जब तुम वीडियो उतारने में मेरे को नहीं। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बीच बीच पे इकट्ठा करने की मजा नहीं। इस साइड स्ट्रीट फूड वगैरह है और इस साइड मंदिर, और गाड़ी हमने उस साइड पार्क की है। वैसे सोमनाथ में और भी बहुत सारी देखने लायक जगह है। हाँ, वो त्रिवेणी संगम है, फिर वो भालका तीर्थ भी है। हाँ, त्रिवेणी संगम तो है। हाँ, बीच तो है ही, लेकिन अभी बीच बहुत हो गया हमारा। हाँ। त्रिवेणी संगम मैं, मेरे को याद नहीं मैं गया था कि नहीं गया था, बहुत टाइम पहले गए। वो तीर्थ कौन सा? भालका तीर्थ है। वो कहानी है ना, श्री कृष्ण सो रहे थे फिर किसी, हाँ हाँ बाण 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 मारी थी, बाण मारी। अच्छा वो वाला है। हाँ हाँ हाँ। सोमनाथ का मार्केट घूम लिया एकदम। हाँ। बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत सारी यादें ताजा हो गई। अभी हम रुके हैं ईंधन, बहुत सारा ईंधन भरवा है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 साल से नवरात्र नहीं हुए तो फाल्गुनी में बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कर दिया है। आज हमने ये एक्स्ट्रा 3-4 कवच लगा के रखे हैं
और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, इसीलिए ही नहीं हुई। गिरनार की धरती पे कदम रख दिए। नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन गाड़ी में ऐसे ही आँख बंद करके पड़े रहे थे और अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए ढूंढ, क्योंकि अभी रात के 11 बजे हैं। अभी सब रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहे हैं तो स्ट्रीट फूड भी वैसे भी बंद हो रहे हैं लेकिन एक दो चालू है तो अभी उधर कुछ जुगाड़ करते हैं। सो फाइनली एक जुगाड़ हो चुका है। अभी एक ग्रेवी मंचूरियन, पाव भाजी और एक ड्राई मंचूरियन और एक आएगा।